सुनिए मसालों की कहानी कारवा 2.0 पर। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है अनमोल काक और आज ना मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसा फ्रूट है जिसको मुझे बचपन से ही खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ अपने आप डाइट में ये शामिल होता गया। मैं बात कर रही हूँ केला यानी बनाना के बारे में। दोस्तों केला यानी बनाना हर मौसम में मिलने वाला और बजट फ्रेंडली फ्रूट है। हमारे देश में तो केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। ये एक ऐसा फल है जो गुणों से भरपूर है। छोटे बच्चों को भी जब सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले केला मैश करके ही दिया जाता है, इसीलिए तो केला बाकी सारे फ्रूट्स के कंपैरिजन में ज्यादा खाया जाता है। आप लोगों ने बहुत बार लोगों को जिम इंस्ट्रक्टर्स को कहते सुना होगा कि वेट बढ़ाना है तो केला खाओ, इसीलिए आजकल डाइट कॉन्शियस होने के चक्कर में और वजन कम करने के लिए लोगों ने केला खाना बहुत कम कर दिया है। वैसे ये बात सही है कि केले में कैलोरीज होती है, लेकिन इसके साथ साथ और भी तो कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये वजन बढ़ाने के साथ साथ अगर सही तरीके से लिया जाए तो वजन कम करने में भी हेल्पफुल है। इसलिए अगर आपको वेट मैनेजमेंट करना है तो इसे ऐसी चीजों के साथ रिप्लेस कीजिए जिससे आपका पेट तो भर रहा है पर न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो हो। यू नो जब हमें भूख लगती है ना तो अक्सर हमारा ध्यान बिस्किट्स, कुकीज, वड़ा पाव, समोसा, बर्गर और ना जाने ऐसे कितनी चीजों पर जाता है, और हम कितनी कैलोरीज भी खा लेते हैं, कितना जंक फूड खा लेते हैं, जबकि हेल्दी ऑप्शंस कई सारे हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आप केला भी खा सकते हैं जिसमें कैलोरीज तो है लेकिन उसका फायदा ही फायदा है, पेट भी भर जाता है और न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। ये तो हुई वेट मैनेजमेंट की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बनाना के इसके अलावा भी और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन B6, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स और नेचुरल शुगर का बहुत अच्छा सोर्स है जो हमें कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए आज मैं आपको केले के उन तमाम फायदों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे आप सब अनजान हैं। तो इसे फटाफट सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए और अगली बारी से अपनी डाइट में शामिल भी कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ केले के उन तमाम फायदों के बारे में जो आपकी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो, मेरे पापा को ना हाई बीपी रहता है और हमेशा उनके लिए हम परेशान भी रहते हैं, नमक का ध्यान रखो, डाइट का ध्यान रखो एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। एंड देन आई रियलाइज्ड जवाब तो घर पे ही था, बाहर कहाँ ढूंढ रही थी। जी हाँ, सबसे पहला फायदा ये है कि जितने भी हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए केला इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल। दोस्तों केला लो सोडियम और हाई पोटेशियम फ्रूट होता है और हाई बीपी को लो करने के लिए पोटेशियम रिच डाइट की जरूरत होती है जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है और ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देता। तो अगर आप बीपी से परेशान हैं और चाहते हैं उससे राहत तो केले को अपनी डाइट में शामिल कर लो। सच बता रही हूँ, बहुत फायदेमंद होता है। मेरे पापा का बीपी ना अब एकदम कंट्रोल रहता है। ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया दोनों को ही ट्रीट करने के लिए केला इज दी बेस्ट। अक्सर सही खाना ना खाने की वजह से पेट की कई परेशानियों से हम सबको जूझना पड़ता है। अब अगर आप चाहते हैं उसे ठीक करना तो केला आपकी डेफिनेटली मदद करेगा, क्योंकि केले में ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस एंजाइम का सेक्रेशन बढ़ाकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करते हैं और ये पेट में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिससे जितने भी पेट से रिलेटेड बीमारियां होती है ना, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इनडाइजेशन, गैस, इन सब से बचाव होता है। साथ ही साथ सॉफ्ट, इजीली डाइजेस्टेबल और नॉन जूसी होने के कारण ये पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करके पेट के अल्सर से भी हमें बचाता है। और अगर आप इन सारी परेशानियों से ऑलरेडी जूझ रहे हैं तो फटाफट सुबह शाम केले को खाना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। चलो आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। यू नो, मेरी ना एक दोस्त है, बात बात पे उसे गुस्सा आ जाता है। अब उसे शांत करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं ना हमेशा उसे केला खिलाती हूँ। पता क्यों? क्योंकि केला एक मूड एनहांसर की तरह भी काम करता है। जी हाँ, आपको ये जान के हैरानी होगी कि केला हमें तनाव मुक्त और डिप्रेशन को दूर करने में भी बहुत मदद करता है। इसमें ट्रिप्टोमाइन कंटेंट होते हैं जो बॉडी में जाकर केलेटोमाइन केमिकल में बदल जाता है। केलेटोमाइन ऐसा कॉम्पोनेंट है जो आपके मूड को एलिवेट करता है, जिससे हम रिलैक्स फील करते हैं।
अगर आप रेगुलरली केला खाएंगे तो उससे स्ट्रेस कम हो जाता है, मसल रिलैक्स रहते हैं और अच्छी नींद भी आती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दैट इट इज रियली गुड फॉर वेट मैनेजमेंट। ये फल मोटे को पतला और पतले को मोटा, यानी अगर आप केला भी खा लेते हो और साथ में खाना भी खा लेते हो, इसका मतलब ये आपके वेट गेन में मदद करेगा। लेकिन अगर आप केले को खाने के साथ रिप्लेस करते हो तो ये वेट लूज करने में आपकी काफी मदद करेगा। तो अगर आप वेट कम करना चाहें या बढ़ाना, दोनों ही केस में केला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। That is why इस फ्रूट को वंडर फ्रूट कहा जाता है। वजन को मैनेज करने के साथ साथ ये हमारे हार्ट को भी ठीक रखता है। बनाना में पोटेशियम, फाइबर और विटामिन सी की मात्रा अधिक होने के कारण ये हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। पोटेशियम ब्लड में क्लॉट जमा नहीं होने देता, जिससे ब्लड फ्लो सही रहता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप केले को सुबह खाते हैं और उसके तुरंत बाद दूध पीते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए और भी ज्यादा फ्रूटफुल है। आयुर्वेद के हिसाब से तो केले को सुबह खाना ज्यादा बेहतर है। अब इतने सारे फायदे मैं आपको बता रही हूँ, लगे हाथों एक और बता देती हूँ। बनाना मेक्स आर आई सी मोर क्लियरर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चाहे इसमें विटामिन ए की मात्रा कम होती है, लेकिन हमारी आईज की हेल्थ के लिए और विजन को इम्प्रूव करने के लिए केला बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज रियली 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 इफेक्टिव। साथ ही उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल माना गया है जिन्हें कुछ फूड आइटम से एलर्जीज होती है, जैसे कुछ पर्टिकुलर खाने से वॉमिटिंग या फिर रैशेज हो जाना। क्योंकि केले में एमिनो एसिड होता है, वो काफी फूड एलर्जी से बचाव करता है। लो कर लो बात, आप सब लोगों के लिए एक और ऑप्शन आ गया है। और तो और, कैल्शियम रिच होने के कारण ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे रेगुलर डाइट में शामिल करने से बोन्स स्ट्रांग होती हैं और बुढ़ापे में होने वाली काफी परेशानियों से बचाव होता है। यू नो, बनाना वर्क्स वंडर फॉर किडनीज, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण किडनी को क्लीन करने में काफी मदद मिलती है, जिससे किडनी फंक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। और तो और, केले में विटामिन बी अच्छी मात्रा में होने के कारण ये हमारा नर्वस सिस्टम को भी ठीक रखता है, जैसे याददाश्त बढ़ाता है और लर्निंग एबिलिटीज भी बढ़ाता है। तो बस, जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए केला इज वेरी 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 हेल्पफुल। मैं तो यही रेकमेंड करूंगी, बच्चे हो या हो बड़े, अपनी डाइट में जरूर शामिल करें केले। एक और किस्सा सुनाऊं आपको? इतने सारे किस्से हैं ना केले के साथ कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं। कॉलेज में ना मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी। हम दोनों जब भी फ्री हुआ करते थे और भूख लगा करती थी ना, तो हम हमेशा कैंटीन में जाते थे और हमारे कैंटीन में पहुंचते ही कैंटीन वाले भैया कुछ नहीं कहते थे, बस सीधा ही हमारे सामने लाके रख देते थे केले का शेक। जी हाँ, बनाना शेक मेरा और मेरी फ्रेंड का बहुत फेवरेट हुआ करता था। भैया तक को पता होता था कि ये दोनों लड़कियां आएंगी तो इन्हें तो केला शेक ही पीना है। ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि डायबिटिक पेशेंट्स केला नहीं खा सकते। इट्स अ मिथ। देखिए, डॉक्टर के अनुसार केले में हाई फाइबर होता है जो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है। इसलिए अगर आप डायबिटिक है तो भी आप केला खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। तो इट विल बी ग्रेट अगर आप अपने डॉक्टर के अनुसार केले का सेवन करें। हाय रब्बा, कौन चाहता है पफी आईज? किसे अच्छी लगती है बताओ? बट क्या करे, एज के साथ साथ पफीनेस भी आई जाती है ना। केले को मैश करके अगर आप उसके पेस्ट को आंखों के नीचे लगाते हैं तो इससे आपकी आंखों की सूजन कम हो जाएगी और आप एकदम ब्यूटीफुल लगेंगे, जस्ट लाइक राइट नाउ। यू नो, बनाना इज टू गुड फॉर प्रेगनेंसी। ये एक ऐसा फ्रूट है जो प्रेगनेंसी में होने वाली बहुत सी प्रॉब्लम्स, जैसे एसिडिटी, मॉर्निंग सिकनेस, इनडाइजेशन, मूड स्विंग वगैरह वगैरह, इन तमाम प्रॉब्लम्स में मददगार है। ये मॉम और बेबी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये बेबीज की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अपने लिए और अपने छोटे से बेबी के लिए बनाना लेना डेफिनेटली शुरू करें। केला एक कैलोरी डेंस फ्रूट है, इसे खाने से इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। पूरा दिन ये हमारे एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद केला खाएंगे तो उससे मसल क्रैम्प्स नहीं आएंगे और वीकनेस भी दूर हो जाएगी। तभी मैं सोचूं कि मेरा भाई जब भी जिम से आता है केला ही क्यों मांगता है। एनीवे, अगर वो केला मांगते हैं जिम के लिए, तो मैं केला मांगती हूँ अपनी स्किन के लिए। जी हाँ, बनाना हमारी स्किन के लिए भी लाजवाब है। इसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी स्किन के लिए बढ़िया माना जाता है। ये हमारी स्किन को नमी देकर ड्राइनेस से भी बचाता है।
अगर आपकी स्किन ड्राई लग रही हो तो एक पके हुए केले को अच्छे से मैश करके अपने चेहरे पर लगाए और 15 से 20 मिनट बाद धो ले। आप महसूस करोगे कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। अब उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। अपना लो ये टिप, बता रही हूँ। हाँ, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए आप बनाना में शुगर को मिक्स करके स्क्रब बना सकते हैं। बनाना स्किन को सॉफ्ट रखेगा और शुगर ड्राई स्किन को निकालने में मदद करेगी। कौन कहता है कि एक बार हमने केला खा लिया तो उसका छिलका किसी काम का नहीं। गलतफहमी है आपकी अगर आपको ये लगता है। जी हाँ, केले के साथ साथ केले का छिलका भी बहुत यूजफुल है। अगर इंसेक्ट बाइट हो तो इफेक्टेड एरिया पर केले के छिलके का अंदर का हिस्सा रब कीजिए, जलन और स्वेलिंग दोनों कम हो जाएगी। साथ ही साथ केले के छिलके दांतों के लिए भी इफेक्टिव है। जी हाँ, अगर आप छिलकों को दांतों पर अंदर की तरफ से रब करेंगे तो दांतों पर अलग सी चमक आएगी और आपके दांत एकदम चमचमाते हुए नजर आएंगे। केले को आप सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, कच्चे केले की सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं, केले को केक में डालकर भी खाया जा सकता है या फिर बनाना शेक या स्मूदी के रूप में भी इसे कंज्यूम कर सकते हो आप किसी भी रूप में। लेकिन जरूरी ये है कि केले को आप डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल करें। दोस्तों, अब आप अगर जान ही गए हैं कि केला कितना फायदेमंद है तो जंक फूड को अपनी डाइट से हटाकर इसे लीजिए ना। इससे ज्यादा न्यूट्रिशियस और कुछ नहीं। कुछ प्रिकॉशनरी एडवाइस भी है। ये तो थे केले के हमारे शरीर के लिए कुछ फायदे, लेकिन दोस्तों ये तभी तक हमारे लिए हेल्दी है जब तक हम उसे जरूरी मात्रा में खाएं। इसका ज्यादा यूज करने से आपके दांतों में सड़न आ सकती है। साथ ही अगर आप माइग्रेन से पीड़ित हैं तो इसका सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि ये सर दर्द को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इसे ज्यादा खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन और पेट दर्द की परेशानी भी हो सकती है। वैसे केले के नुकसान से ज्यादा फायदे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसे इग्नोर करना चाहिए। आप उसे जरूरी मात्रा में खाएं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के फायदे उठाएं। अगले हफ्ते फिर आऊंगी किसी और इंग्रेडिएंट के साथ जो कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसे भी जरूर अपनाइएगा क्योंकि अगर हमारी सेहत रहेगी मस्त तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। मैं थी अनमोल काग, टाटा। जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहे मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया।